हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ऐसे किले से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा। मैं आज ऐसे फोर्ट से जुड़े फैक्ट लेकर आया हूँ जो कि भारत का एकमात्र अजय दुर्ग है। यानी यह ऐसा किला है जिसने ना तो मुगलाधीन भारत में किसी मुगल द्वारा ना ही अंग्रेजों द्वारा इस किले को जीता गया। क्या जानते हैं आप किस किले के बारे में? आखिर ऐसा क्या है इस किले में जो इसे कोई आज तक जीत नहीं पाया? ऐसा क्या रहस्य है इस किले का? आखिर किससे इसका निर्माण हुआ? इसे बनाते समय किन मटेरियल्स का इसमें यूज किया गया? अगर आप जानते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो में बने रहें। आपको बताने जा रहा हूँ इस किले के बारे में जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल खेकड़ी फैक्ट जोन में। भारत में ऐसे कई किले हैं जो किसी किसी वजह से मशहूर है। एक ऐसा किला राजस्थान के भरतपुर जिले में भी मौजूद है जिसे लोहगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस किले को भारत का एकमात्र अजय दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस किले की खास बात यह है कि इसे कभी कोई भी जीत नहीं पाया। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी हार मान ली थी। इस किले का निर्माण 285 साल पहले यानी 19 फरवरी 1733 को जाट शासक महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इसलिए इस किले को बनाने में एक विशेष तरह का प्रयोग किया गया था जिससे कि बारूद के गोले भी किले की दीवार से टकराकर बेअसर हो जाते थे। इस किले के निर्माण के समय पहले एक चौड़ी और मजबूत पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई और नीचे गहरी और चौड़ी खाई बनाकर उसमें पानी भरा गया। ऐसे में अगर दुश्मन पानी को पार भी कर गया तो सपाट दीवार पर चढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इस किले पर आक्रमण करना किसी के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि तोप से निकले हुए गोले मिट्टी की दीवार में धस जाते थे और उनकी आग शांत हो जाती थी। इससे किले को कोई नुकसान पहुंचता ही नहीं था। यही वजह है कि दुश्मन इस किले के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाए। इस फौलादी किले को राजस्थान का पूर्व सिंह द्वार भी कहा जाता है। यहाँ जाट राजाओं की हुकूमत थी जो अपनी दृढ़ता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इस किले को सुरक्षा प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने इस किले को अपने साम्राज्य में लेने के लिए 13 बार हमले किए। अंग्रेजी सेना तोप से गोले उगलती जा रही थी और वह गोले भरतपुर की मिट्टी के उस किले के पेट में समाते जा रहे थे। 13 आक्रमणों में एक बार भी वो इस किले को भेद न सके। अंग्रेजों ने अंत में हार मान ली थी कि इस किले को जीतना असंभव है। अंत में उन्हें जाटों से संधि ही करनी पड़ी। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत में ऐसे राजा जन्मे हैं जिनके आगे मुगल ही नहीं बल्कि अंग्रेज भी कांपते थे। सन 1765 ईस्वी में भरतपुर के राजा जवाहर सिंह जाट ने दिल्ली पर आक्रमण कर चित्तौड़ का वो दरवाजा वहां से उठा लाया जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ से छीना था, और इस दरवाजे को किले के दूसरे दरवाजे की जगह लगवा दिया गया। यह दरवाजा अष्ट धातु से निर्मित था। जी हाँ दोस्तों, इस दरवाजे को 8 धातुओं से मिलाकर बनाया गया था। इस विजय के उपलक्ष्य में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। भरतपुर के शासकों का राज अभिषेक किले के जवाहर बुर्ज में किया जाता था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।